राधे राधे। मैंने आपको बताया कि रूप ध्यान भक्ति योग का प्रमुख साधन है, उसी से हमारा मन भगवान में लगेगा, उसी से हम अपने मन को भगवान में लगा सकते हैं। और इस ध्यान में कोई पाबंदी नहीं है, ना समय की पाबंदी है, ना कोई हमको मुद्रा लगानी है, और स्थान की भी कोई पाबंदी नहीं है कि स्थान की शुद्धि करके ही बैठना है। हम कहीं भी बैठ सकते हैं, खाली इतना ध्यान रखना है कि जहां हमको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा वहां हम बैठ सकते हैं साधना करने के लिए, रूप ध्यान लगाने के लिए। अब रूप ध्यान के साथ साथ जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने बताया है कि कीर्तन भी हो तो ज़्यादा लाभ मिल जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग प्रवेशिका की अवस्था में हैं, हम बहुत एडवांस नहीं हैं साधना में। तो अगर हम बैठ के खाली रूप ध्यान करें तो कुछ ही मिनट के अंदर हमारा मन भटकने लगेगा, हम बोर हो जाएंगे। तो कीर्तन साथ साथ अगर हो तो हम काफ़ी देर तक बैठ के ध्यान लगा पाएंगे। कीर्तन करने से हमारा मन केंद्रित रहता है, और अगर हम जोर से गाएं और ताली भी बजाएं तो फिर नींद भी नहीं आएगी। बहुत सारे लाभ हैं कीर्तन करने के, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि कीर्तन सहायता दे रहा है लेकिन वो प्रमुख नहीं है, क्योंकि कीर्तन बहिरंगा साधना है। हम इंद्रियों से कीर्तन कर रहे हैं और मन से हमको रूप ध्यान करना है। तो अंतरंगा साधना एक ही है, रूप ध्यान, लेकिन उसके साथ साथ सबसे अच्छी साधना है कीर्तन। तो रूप ध्यान के साथ साथ कीर्तन करना है और रोज़ करना है, बैठ के रूप ध्यान लगा के कीर्तन गाओ या कीर्तन सुनो, आपकी मर्जी है। और यही हम जिसे कहते हैं कर्म संन्यास वाली साधना है। कर्म संन्यास वाली साधना का मतलब है कि सारे कर्मों को बंद करके, संसारी संबंधी कर्मों को बंद करके हम बैठ के केवल भगवान का ध्यान करें। यही है प्रमुख भक्ति योग की साधना। इसमें अगर फिर भी मन इधर उधर भटकेगा तो हमको लगेगा कि अरे इतना मैं ध्यान लगा रहा हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा है मुझसे, तो इसके लिए भी जगत गुरु श्री कृपाल जी महाराज ने कुछ उपाय बताया है, वो मैं आगे वाली वीडियो में बताऊँ। जय श्री राधे।